चलिए बनाते हैं गोभी के एकदम बेहतरीन पकोड़े। आपको बहुत पसंद आने वाले हैं इस सर्दियों के सीजन में। आप कभी भी बनाइए, गेस्ट भी आते हैं इस रेसिपी से। आगे रेसिपी देखिए प्लीज़। हाय एवरीवन, कैसे होंगे? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे। रेहाना किचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने सुबह सुबह उठ के देखा, मौसम एकदम रंगीन बना हुआ था। सर्द का टाइम था और हल्की हल्की बारिश की छींटे पड़ रही थी, जिससे देखते ही मेरा मन कर दिया आज पकौड़े खाने का। सर्दियों में मैंने तो पकौड़े बहुत खाए, प्याज के, आलू के, बहुत पनीर के, लेकिन आज मन कर दिया सर्दियों में गोभी का। तो हमारे पास एक्चुअली फ्रिज में ताज़ा एकदम बेहतरीन गोभी पड़ा था। सर्दियों में अच्छा गोभी मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट पकौड़े बनाते हैं गोभी के। बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी से आप बनाइए, यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सबसे पहले हम इसे कट करते हैं। गोभी को फ्रेंड्स हम बहुत बड़ा ना रखेंगे ना बहुत छोटा। इस सबसे पहले हम डंठन निकालेंगे और गोभी का छोटा पार्ट निकाल लेंगे और इसका थोड़ा सा हम डंठल भी रखेंगे, पूरा फूल नहीं लेंगे, इसलिए इसका ये जो होता है इसको हम निकाल देंगे। इसका देखिए इतना 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 साइज हम रख लेंगे, इसमें दो कर देंगे इस तरीके से। इस ये साइज हम पकोड़े का रखेंगे, इस तरीके से हम सारा कट कर ले। देखिए मैंने इस तरीके से सारा कट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। वैसे तो कीड़े उड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे और पानी इसका निचोड़ जाए। चलिए फटाफट धो लेते। मैंने गोभी को बहुत अच्छे से धो लिया है और इसका पानी सारा निकल चुका है, पानी नहीं है। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कच्चा गोभी का पकौड़े बेसन को फेंट के ऐसे करके नहीं बनाऊँगी, मैं इसको थोड़ा सा पकाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखा है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल रख लिया है, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और सारे गोभी को इसी में मैं डाल दूँगी। हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको, हल्का सा नमक डाल देंगे। जब ये अंदर जाएंगे तो ये गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे टेस्ट लेके आते हैं। इसको हम चला लेते हैं। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है इसको। इस तरीके से देखिए हम कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी, जो डाइटिंग करते हैं वो भी आराम से खा सकते हैं। और हम इसलिए हल्का सा इसको 2 मिनट करते हैं ताकि जो गोभी की महक होती है, कच्चा अगर डालते हैं या गोभी बहुत लोग खड़ा खड़ा रहता है, पसंद नहीं करते हैं उसके पकौड़े, अगर इस तरीके से आप कर लोगे ना तो सभी लोग गोभी के साथ पकौड़े पसंद करेंगे और वाकई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब गैस को हम कर देंगे बंद, एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि बन रहा है गोभी का पकौड़े और मिक्सर जार हमें दिख रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सीक्रेट है जो पकौड़े आपके बहुत बेहतरीन बनेंगे। और देखिए मैंने कुछ धनिया साबुत ले लिया है, आप बहुत अच्छा होगा आप डाला करिए। आप सोच रहे होंगे कि पकौड़े में धनिया कैसा लगेगा, तो एक बार आप इस रेसिपी से बना के देखिए। और मैंने 2 हरी मिर्च को तोड़ लिया है, इसको भी ले लेंगे। 4 से 5 लहसुन की कली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इसको हम थोड़ा सा दरदरा, फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा सा रखें। यहाँ पे फ्रेंड्स हम खुला बर्तन रखेंगे, कोई बाउल या कटोरी में नहीं बनाएंगे और ना इसका घोल बनाना है। तो सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे। बेसन हम 3 या 4 चम्मच रखेंगे, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, सिर्फ हम 3 चम्मच बेसन रख लेंगे, इतना बहुत काफ़ी होगा। जो हमने इसको दरदरा बना लिया है 1 चम्मच डाल देंगे फ्रेंड्स, इससे चटपटा पकौड़ा इतना बेहतरीन बनेगा आप खुद हैरान हो जाओगे। इसको ज़रूर आप शामिल करिएगा अपने गोभी के पकौड़े में। हल्दी 1/2 चम्मच रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसका कलर चेंज करना है, बस इतना ही हम डालेंगे।
मिर्ची पाउडर डाल देंगे हाफ चम्मच ही, हाफ चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, भुना हुआ जीरा है थोड़ा सा डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार, हाफ चम्मच आमचूर पाउडर है बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा, हाफ चम्मच चाट मसाला है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने व्हाइट तिल ले लिया है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप, जो इसमें से स्किप करना है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। कभी आप इस रेसिपी से पकौड़े बना के देखिए, गोभी के बहुत लोग पसंद करेंगे। इसमें थोड़ा हम धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे और इसको पहले अच्छे से चम्मच से हम मिक्स कर लेते हैं, इसको पहले सूखा ही हम मिक्स करेंगे, इसका घोल नहीं बनाना है, इसलिए पहले अच्छे से हम हाथ से ही इस तरीके से स्पून से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कहीं पे कम ज़्यादा ना हो। बेसन को हमने पहले से ही चाल लिया था, देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम गोभी जो है ऐसी पहले सूखा मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। सारे गोभी हम ले लिए हैं, इसको हाथ की हेल्प से पहले अच्छे से कोटिंग करेंगे एकदम इसके अंदर, पानी अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी तरीके से हम अच्छे से इसको कर लेते हैं, हल्के हाथ से करेंगे नहीं तो गोभी टूट जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से देखिए हो चुका है, हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये गीला हो जाएगा, हमें गीला नहीं रखना है, इसके साथ बस इसको लपेटना है, तो बिल्कुल पानी का छींटा मारेंगे, जिस तरीके से छींटे होते हैं पानी का, जैसे हाथ पे लिया इतना, ऐसे करके इसी तरीके से हमें इसमें कोटिंग करना है, दो दो बार में एकदम आराम से हो जाएगा, हाथों की हेल्प से ही मिलेगा ये। एक बार और कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा बेसन है तो इसको ऊपर लेके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर देंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और इसको फ्रेंड्स हम 1 से 2 मिनट के लिए सेट होने देंगे, तब तक कढ़ाई में तेल हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और गोभी भी अच्छे से सेट हो गई है, इसको एक एक करके हम डालेंगे इसी में, देखिए इस तरीके से उठाएंगे, एक गोभी आराम से इसमें डाल देंगे, इसी तरीके से हम डालते जाएंगे। तरीके से सारा हम डाल लेते हैं, मीडियम रख देंगे। अब इसको हम पलटते हैं, इसको एक एक करके हम पलट लेते हैं, देखिए इस तरीके से हम सारा पलट लेंगे, इस तरीके से इसको पलट लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है। मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे हम, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, जब ठंडा हो जाए तेल तो थोड़ा सा हाई कर दीजिए, फिर उसके बाद मीडियम कर दीजिए। इस तरीके से आपकी पकोड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत बेहतरीन बनेंगे फ्रेंड्स, आप बनाया करिए। और प्लीज़ हाँ फ्रेंड्स, आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेगी, और लाइक शेयर, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं रेसिपी मेरी तो आप बताइए कमेंट करके, इससे अच्छी अच्छी और भी रेसिपी मैं लाया करूँगी। लाइक कर दीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी तो किया करिए, समझ में आए कि हाँ हमारी रेसिपी लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, बोलने का तरीका पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भी अभी नए नए हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें भी ज़्यादा यूट्यूब का नॉलेज नहीं है, आप ही हमें बताएंगे, उस तरीके से हम बनाया करेंगे वीडियो, हमें कम बोलना है ज़्यादा बोलना है या ये बोलने का अंदाज़ सही आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी वीडियो आप कहाँ से, किस एरिया, किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताए, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि मेरी वीडियो इतनी जल्दी कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए ये अब रेडी होने वाला है, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए।
ये हो गया है फ्रेंड्स, इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कलर लेके आया, एकदम क्रिस्पी है फ्रेंड। ये नहीं है कि सॉफ्ट हुआ है पकौड़े, आप कोई भी अगर गेस्ट आए तो आप बना सकते हो, या किसी को गोभी का पकौड़े नहीं पसंद आते हैं इस रेसिपी से आप बना के खिलाइए, उनको ज़रूर पसंद आएंगे, बहुत पसंद आएंगे, और वो बार बार पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। आप शेयर भी कर दिया करिए मेरी रेसिपी। इस तरीके से हमने सारा बना लिया, अब चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना बेहतरीन हुआ है पकौड़े, एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसकी आवाज़ भी निकल रही है, अंदर से बहुत बेहतरीन, अंदर से भी क्रिस्पी है। और आप मीठी सॉस के साथ, देखिए चटनी के साथ, किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये अच्छा नहीं है। और इसी तरीके से बनाइए फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को, हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके चलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।